स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उज्जैन रोड स्थित सिंगावदा में खेत पर काम करने गई पुष्पापति दिलीप राठौर उम्र 27 निवासी सिंगावदा पावर हाउस के खाते में काम करने के दौरान सांप ने काट लिया, जिसे खेत मालिक प्रवीण जावरिया तुरंत देवास जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर अरुण मालविया ने प्राथमिक उपचार करने के बाद पुष्पा भाई को इंदौर रेफर कर दिया। मेरा नाम प्रवीण जावरिया, सिंगावदा रहता हूँ। कहाँ से लेके आए आप ये भाई को? हम सिंगावदा से लेके आए। क्या हो गया? इनको सांप ने काट कराया था, खेत पर काम कर रहे थे। अच्छा, कहा खुद के खेत पे क्या काम कर रहे थे? ये चारा उखाड़ रहे थे। अच्छा, क्या नाम है इनका? पुष्पा भाई। इनके पति का? दिलीप राठौर। क्या उम्र होगी इनकी? इनकी 27 साल। कहाँ रहते हैं ये? सिंगावदा। ठीक है, आपका पूरा नाम? प्रवीण जावरिया। आप क्या लगते हैं इनके? जी, हमारे खेत पर काम करने आए थे। ठीक। अभी एक महिला है जिसका नाम पुष्पा भाई है। हाँ। पति का नाम दिलीप, उम्र 27 वर्ष। ये सिंगावदा के आसपास कहीं रहने की निवासी है। तो ये ऐसा बता रहे थे कि इसको सांप ने काटा। हाँ। इसको इसने खुद ने देखा अपने आंखों से। हाँ। तो इसका हमने भर्ती कर लिया है और हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट चालू कर दिया है इसका। सर, इंदौर रेफर जैसे? हाँ, अभी थोड़ा सा कंडीशन देख के उसको आगे हम रेफर करेंगे। आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर अरुण मालवीय। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।